अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हमने मैग्नेटिक हिल एक्सप्लोर कर लिया है और अभी यहाँ से निकल रहे हैं मैग्नेटिक हिल से। मैग्नेटिक हिल लेह में पड़ता है, लेह से 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर के रास्ते पर ही है, तो उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और अभी हम निकल रहे हैं और यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है श्रीनगर। तो हमारी आज की कोशिश यही रहेगी कि आज हम कैसे भी करके जो जोजिला पास है, जोजिला टॉप ले टू श्रीनगर के बीच में सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हमें आज ही दिन में ही पार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर रात हो जाएगी तो फिर 5 या 6 बजे के बाद में द्रास रास्ते में एक जगह आती है, तो द्रास में ही रोक लेते हैं। जोजिला टॉप से एकदम जोजिला टॉप के चरणों में है द्रास, तो द्रास में हमें रोक लिया जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 5 या 6 बजे से पहले द्रास हम पार करके और श्रीनगर के लिए निकल जाएं। फिर श्रीनगर में जाके रूम ले लेंगे या फिर बीच में कहीं अगर जहाँ भी गेस्ट हाउस वगैरह होंगे तो रुक जाएंगे। हमारी कोशिश आज की यही है कि हम सोनामार्ग में रुकें, क्योंकि सोनामार्ग श्रीनगर से पहले बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और वहाँ पर अगर हम रुकेंगे तो कल सोनामार्ग को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या रहता है, क्योंकि जैसे हम प्लान बनाते हैं वो बन नहीं पाते हैं, क्योंकि प्लान हम उसी जगह का बना सकते हैं जो जगह जहाँ सीधे रास्ते हों। यहाँ के रास्ते पूरे उठपटांग हैं और मतलब जिग जैग टाइप रोड हैं, तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है रास्तों में, इसलिए यहाँ का प्लान हम पहले से तैयार करके नहीं चल सकते। और द्रास हम इसलिए पार करना चाहते हैं कि द्रास एशिया का दूसरा सबसे ठंडा शहर है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि द्रास कैसे भी करके हम पार करें, नहीं तो रात को हम द्रास में जम सकते हैं। इसलिए कोशिश ये रहेगी कि द्रास हम कैसे भी करके पार करें। अभी रास्ते में थोड़ा स्टॉपेज लिया है बीच में, क्योंकि 100 से 150 किलोमीटर लगातार गाड़ी चल चुकी है, तो लगातार गाड़ी में परेशान हो जाते हैं, तो बीच बीच में जैसे ये टॉप आते हैं तो यहाँ पर फ़ोटो वोटो भी हो जाती है और रेस्ट भी मिल जाता है बॉडी को, क्योंकि बॉडी पेन करने लग जाती है सफ़र में लगातार। और ये 80-22 जिमी जा रहे हैं अपनी फ़ोटो उतरवाने के लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी इन पहाड़ियों से और बर्फ़ से पीछा छूटे
लेकिन जैसे जैसे आगे चल रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ी और बर्फ़ पड़ रही है। अब यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, वापस पहाड़ी का एरिया आने लग गया है, वापस चढ़ाई पर जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों एक बार फिर रास्ते में रुके हैं, ये है फोटुला टॉप, BRO लिखा हुआ है। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये रोड जितने भी रास्ते में मिली है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। एंड अब हम हैं 13479 फिट हाईएस्ट पर, और ये हाईएस्ट पॉइंट है श्रीनगर ले रोड का, श्रीनगर ले रोड का हाईएस्ट पॉइंट है ये 13479। और आगे शायद एक टॉप और आएगा, जोजिला पास बोलते हैं जिसको, तो जोजिला पास और आने वाला है। ये देखिए एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से फोटुला टॉप से। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है इसलिए लग रहा है आवाज़ तो आपके पास सही नहीं आ रही होगी। अरे दोस्तों अभी नामिकाला पास पर हम पहुँच चुके हैं, इसकी हाइट है 12,198 फीट, और यहाँ से मैं एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको। आवाज़ तो नहीं आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, इसलिए आवाज़ तो मेरी आपके पास नहीं आ रही होगी, फिर भी थोड़ा ज़ोर से बोल के पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ का व्यू है, ये है नामिकाला पास, इसके बाद में एक जोजिला पास है। ये कुछ साथी मिले हैं अभी जयपुर के, जयपुर से ये बाइक पर इनका लद्दाख का ट्रिप है, बहुत ही मज़े ले रहे हैं। अयो हम कारगिल पार करके आ चुके हैं और अभी द्रास की ओर जा रहे हैं, और द्रास में रुकने का प्लान है। बारिश बहुत ज़्यादा है, रास्ता ख़राब है एकदम, वैसे तो रोड तो अच्छी है लेकिन रास्ते में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, उतार चढ़ाव के साथ साथ जिग-जैग टाइप रास्ता है, तो काफ़ी सुनसान इलाका है। द्रास यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर है, द्रास में जाके रुकने का प्लान है, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल बड़ा खौफनाक रास्ता है। हाँ तो गाइज अभी हम यहाँ पर द्रास में रुके हैं, और द्रास में हमने रूम लिया है, और इससे आगे श्रीनगर जाना है, तो श्रीनगर और द्रास के बीच में एक जोजिला पास आता है, तो वो पास बहुत हाइट पे है, उसकी वजह से आगे गाड़ी जाने भी नहीं देते हैं, वरना हमारा प्लान था श्रीनगर रुकने का, लेकिन अभी द्रास में ही रुक गए हैं, और सुबह इंशाल्लाह द्रास से श्रीनगर के लिए निकलेंगे, और वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या विचार करते हैं, कहाँ कहाँ कौन सी वहाँ जगह है घूमने की, वो देखते हैं। अब द्रास में दो रूम लिए हैं, एक तो ये रूम है, आपको व्यू दिखाता हूँ, एक रूम ये है, और बहुत ही सस्ते मिले हैं रूम भी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ है, नॉर्मल किराया लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर ज़्यादा जो कश्मीर आने के बाद में महंगा ही नहीं है, ज़्यादा सस्ते में काम निपट जाता है। गाइस अभी द्रास में रुके हैं, द्रास से और श्रीनगर के बीच में एक जोजिला पास आता है जो कि बहुत ज़्यादा हाइट पे है, उसकी वजह से यहाँ पर बैरिगेट्स लगा रखे हैं, और जो रास्ता है जो नाइट में बंद कर देते हैं ताकि कोई लोग वहाँ पर फंस नहीं जाए। तो हम यहाँ द्रास में रुक चुके हैं, यहाँ दो रूम लिए हैं हमने, और तीन तीन बंदे दो रूमों में हो चुके हैं, और यहाँ पर एडजस्ट हो गए, और सुबह देखते हैं क्या प्लान रहता है, श्रीनगर जाने का प्लान है सुबह, और आज